युद्ध के बीच से बड़ी खबर पूर्वी यूक्रेन से सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन ने रूस की सेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन की सेना ने मिसाइल के हमले से रूस के एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ट्रक को उड़ा दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है, जो ड्रोन कैमरे की मदद से शूट किया गया है, जिसमें एक इमारत के पास खड़े ट्रक पर मिसाइल गिरते ही धुएं का एक बड़ा बवंडर आसमान में उठता साफ दिखाई दे रहा है। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए स्पेन के प्रधानमंत्री और वहां की रक्षा मंत्री के फोन टैप किए जाने की खबर सामने आई। स्पेन की सरकार के मुताबिक दोनों के फोन पिछले साल टैप किए गए और उसके जरिए अहम डेटा चोरी कर लिया गया था। बताया गया कि स्पेन के प्रधानमंत्री के फोन को इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए पिछले साल मई में दो बार निशाना बनाया गया, जबकि वहां की रक्षा मंत्री के फोन की जासूसी 2021 में ही जून के महीने में की गई। और अब इसका पता चलते ही स्पेन में हड़कंप मच गया। वहां आनंद फानन में जांच बिठा दी गई कि आखिर स्पेन के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के फोन की जासूसी किसने करवाई। और वहां की सरकार की तरफ से यह दावा किया गया कि दोनों के फोन के डेटा चुराने के पीछे विदेशी ताकत का हाथ है। हालांकि खुद स्पेन की सरकार पर भी इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जासूसी करने के आरोप लगते रहे। स्पेन की सरकार पर 2017 से 2020 के बीच कैटालोनिया में अलगाववादी संगठन के समर्थकों की पेगासस के जरिए जासूसी करवाने के आरोप लगे थे। उस दौरान करीब 65 लोगों के फोन की इजरायली सॉफ्टवेयर की मदद से जासूसी करवाई गई। इनमें अलगाववादी आंदोलन के समर्थक, नेता और वकील समेत कई लोग शामिल रहे थे। अब उसी पेगासस का इस्तेमाल स्पेन के ही प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की जासूसी के लिए किया गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी जंग जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। ये बात हैरान करने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद दोनों देश दोस्ती के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक करने की खबर उड़ने के बाद दोनों की नकली दोस्ती दुनिया के सामने आ गई। क्योंकि तालिबान ने दावा किया कि पिछले महीने अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 40 से ज्यादा मासूम लोगों की जान चली गई थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हालांकि पाकिस्तान इस बात को नहीं मान रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इस एक कदम की वजह से दोनों दोस्त दुश्मन बन चुके हैं। ऐसी रिपोर्ट आई कि दुश्मनी की वजह पाकिस्तान के उन 7 सैनिकों की मौत है जो खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में मारे गए थे। ये जगह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है और कहा जा रहा है कि 7 सैनिकों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा है। ये एक ऐसा संगठन है जिस पर पाकिस्तान में कई आतंकी वारदात को अंजाम देने का आरोप है। इस संगठन को पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं और कहा जाता है कि पाकिस्तानी तालिबान भी वैसे ही सोचते हैं जैसे अफगानिस्तान के तालिबान। माना तो यह भी जाता है कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, जिनमें एक अफगानिस्तान में काम करता है और दूसरा पाकिस्तान में। पाकिस्तान तालिबान भी अफगानिस्तान के तालिबान की तरह ही शरिया कानून के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। यही नहीं, जो रिपोर्ट आई उसमें दावा किया गया कि वो अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों को हथियार देता है और उसने वहां सैकड़ों सुसाइड बॉम्बर भी भेजे हैं। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान इसी वजह से पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तानी तालिबान का समर्थन कर रहा, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसी वजह से अफगानिस्तान पर भड़का हुआ है, क्योंकि खबर है कि वो अफगानिस्तान से खुलकर कह चुका है कि वो पाकिस्तानी तालिबान का साथ न दे, क्योंकि इस संगठन पर पाकिस्तान में कई आतंकी हमले करने का आरोप लग चुका है, जिनमें 2014 में कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ हमला शामिल है, जिसमें 150 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तानी तालिबान पर 2015 में सुसाइड बॉम्बर के जरिए पेशावर में 120 लोगों की जान लेने का आरोप भी लग चुका है। यही नहीं, 2014 में मलाला यूसुफजई पर हुए हमले के लिए भी इसी संगठन को जिम्मेदार माना जाता है, और इन्हीं वजहों से पाकिस्तान में इस संगठन पर बैन लग चुका है। पाकिस्तान इस बारे में अफगानिस्तान से बोल चुका है कि वो पाकिस्तानी तालिबान का साथ न दे, लेकिन कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान नहीं माना। यही नहीं, उल्टा उसने पाकिस्तान को आंखें दिखानी शुरू कर दी, जिसके बाद ऐसी खबर उड़ने लगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी जंग हो सकती है, क्योंकि तालिबान ने दावा किया कि पाकिस्तान की सेना के हेलीकॉप्टर ने सीमा के पास अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार में एयर स्ट्राइक की थी। खबर है कि हमले के अगले ही दिन तालिबान ने काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया था और ऐसे हमलों को तुरंत रोकने को कहा था। बात तब और बढ़ गई जब तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट कर पाकिस्तान को धमकी दी और लिखा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सब्र की परीक्षा न ले। और बिहार के भागलपुर में सरकारी अस्पताल में बम फटने से हड़कंप मच गया। बिहार के भागलपुर में कुछ बदमाश सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर बम फेंक कर फरार हो गए। बम फटते ही आसपास हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है।
नोएडा के एक रेस्टोरेंट में खाने के विवाद में एक ग्राहक पर चाकू से हमला कर दिया गया। चाकू से हमले का आरोप रेस्टोरेंट के मालिक और कर्मचारियों पर लगा है। वारदात में दो लोगों को चोटें आई हैं। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बदायूं में बिजली ट्रांसफार्मर फटने से उसमें आग लग गई। अचानक आग लगने से वहां मौजूद 10 लोग जख्मी हो गए। आग की लपटों में घिरने से वहां खड़ी 4 बाइकें पूरी तरह जल गईं। खबर आई कि जंग की वजह से रूस के ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय में फूट पड़ चुकी है। कहा जा रहा है कि इस समुदाय का एक धड़ा पुतिन के साथ है, दूसरा उनके खिलाफ। रूस के ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय का हिस्सा है, जिनके सबसे बड़े धार्मिक नेता या धर्मगुरु होते हैं मॉस्को के मुख्य पादरी, जिन्हें बिशप भी कहते हैं, जिन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले को धर्म से जोड़ दिया था और पुतिन का साथ दिया था। लेकिन अब इस मामले पर रूस का ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय दो फाड़ होता दिख रहा है, क्योंकि CBS न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि कुछ लोग बिशप के खिलाफ हो चुके हैं। CBS न्यूज ने लिखा कि बिशप के साथ काम कर चुके लोग उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो लोगों पर पुतिन की सोच को थोपने का काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये तक दावा कर दिया गया कि पुतिन और बिशप की वजह से रूस में लोग चर्च जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें ये बताया जाता है कि पुतिन ने यूक्रेन में जो किया वो न्यायपूर्ण है। रूस में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के करीब 10 करोड़ लोग हैं। यही नहीं, यूक्रेन और बेलारूस में भी इस समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक और बड़ा राज दुनिया के सामने आ गया। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि उनकी न सिर्फ 2 बेटियां हैं, बल्कि रूस की एक जिमनास्ट खिलाड़ी से उनके 2 बेटे भी हैं, जिसे उन्होंने अब तक दुनिया से छिपा कर रखा था। पुतिन के 2 बेटे होने के दावे को सही साबित करने के लिए डेली मेल ने एक रिपोर्ट भी छापी, जिसमें ये बताया गया कि 2007 से रूसी राष्ट्रपति पुतिन के 38 साल की जिमनास्ट खिलाड़ी अलीना कबायवा के साथ संबंध थे। दावा किया गया कि अलीना ने 2007 में पुतिन के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करने से पहले कई बार स्विट्जरलैंड की यात्रा भी की थी। पुतिन के साथ अपने संबंध के करीब 8 साल बाद उन्होंने 2015 में स्विट्जरलैंड में एक बेटे को जन्म दिया था। इसके बाद अलीना के दूसरे बेटे का जन्म 2019 में रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ। ये भी दावा किया गया कि मॉस्को में अपने दूसरे बेटे को जन्म देने से पहले अलीना ने कई बार स्विट्जरलैंड के एक शहर लुगानो की यात्रा भी की थी। हालांकि 2007 में पहली बार अलीना से नाम जोड़ने के बाद पुतिन ने उनके साथ संबंधों से इनकार कर दिया था। लेकिन डेली मेल की इस रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के 2 बेटे भी हैं, जिन्हें उन्होंने दुनिया से छिपा कर रखा था। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पूरी दुनिया के आगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यह राज सबके सामने आ गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुतिन की 2 बेटियां हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम है मारिया वरनसोवा, जो 37 साल की हैं, और दूसरी बेटी का नाम है कतरीना, जो 35 साल की है। दोनों बेटियां पुतिन की पहली पत्नी ल्यूदमिला से हैं, जिनसे पुतिन का 2013 में तलाक हो गया था। मतलब ये कि पुतिन की बड़ी बेटी मारिया अलीना कबायवा से महज 1 साल छोटी है, जो तब पैदा हुई थी जब रूसी राष्ट्रपति जर्मनी में KGB के जासूस हुआ करते थे। अखबार का दावा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने से पहले अलीना को स्विट्जरलैंड भेज दिया गया था। लेकिन पिछले हफ्ते रूस की बेहद सफल जिमनास्ट रही अलीना ने मॉस्को में हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसके बाद ये दावा किया जाने लगा कि पुतिन जल्द ही यूक्रेन में किसी बड़ी जीत का ऐलान करने वाले हैं, और इसीलिए उन्होंने अलीना कबायवा को मॉस्को बुलाया। क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अलीना कबायवा पुतिन की वो गर्लफ्रेंड है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उनका नाम पुतिन के साथ पहली बार 2007 में जुड़ा था, जब मॉस्को के एक अखबार में उनके रिश्ते को सार्वजनिक करते हुए एक खबर छापी थी। हालांकि जल्द ही ये खबर वहां के मीडिया से हटा दी गई, जिसके बाद दावा किया गया कि पुतिन नहीं चाहते थे कि उनका नाम सार्वजनिक तौर पर अलीना कबायवा के साथ जुड़े। लेकिन 2013 में पत्नी से तलाक के बाद पुतिन को कई बार उनके साथ देखा गया। इसके बाद से ही ये दावा किया जाने लगा वो पुतिन के बेहद नजदीक हैं, और इसीलिए जिम्नास्टिक छोड़ने के बाद पुतिन उन्हें राजनीति में ले आए। 2007 में अलीना पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी से सांसद बनी, और 2014 तक